नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार में जो है नगर पालिका चुनाव चल रही है, ऐसे में आज हम पहुंच चुके हैं ये बहादुरगंज नगर पंचायत के विकास पर बात करने के लिए। कई ऐसे वार्ड्स हैं जहां सरकार के करोड़ों का फंड आने के बाद भी विकास से कोसों दूर है। कुछ सड़कें हैं, मैं उनकी भी गुणवत्ता दिखाऊंगा आपको। और इस बार जो है नगर पालिका चुनाव, जो नगर पंचायत में जो चुनाव होना है, क्या उसमें बदलाव हुई है और लोग इस बार किसके साथ हैं, बदलाव के साथ हैं या पुराने के कार्य से खुश हैं। मगर ज़्यादातर सर्वे रिपोर्ट्स में कई वार्ड्स के ऐसे सर्वे क्लियर हो गया है जिसमें से कि कुछ सभी लोगों का मानना है कि इस बार नए तरीके से बदलाव हो। और जिस तरह से प्रशासन की जो मेन सिस्टम रहा, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा रह गया, करप्शन में जो कहीं ना कहीं मामला संलिप्त रहा, इसको लेकर के आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। कुछ महिला लोग जुड़ी हुई इस वार्ड से, हम बात करेंगे। कौन सा नंबर वार्ड है, क्या नंबर वार्ड है आपका? चार नंबर। क्या इस बार माहौल क्या चल रहा है वार्ड में, क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर आप पुराने के साथ रहेंगे? आपको क्या है? नहीं, बदलाव तो होनी चाहिए। बदलाव होनी चाहिए जी। क्यों, आखिर नए पुराने ने क्या कर दिया ऐसा जो बदलाव के साथ में जा रहे हैं आप लोग? कुछ खास नहीं हुआ है, होनी चाहिए बदलाव। बहुत सरकार का एक प्लान था, स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है क्या आपके यहाँ? नहीं लगा। इस वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाई नहीं, वार्ड नंबर 4 में? नहीं लगा। तो आप लोग एक जो जैसा आप लोग का ये लग रहा है, आप लोग एजुकेटेड पर्सन है, कभी इस सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं ली आप लोगों ने विभाग से? जानकारी तो लेते हैं पर होता है। कुछ होता नहीं, कुछ है। होता नहीं आता है। क्या है, नहीं आता है, बस उन्हीं लोग तक ही रहता है। मतलब प्रशासन से लेके प्रतिनिधियों तक ही सीमित रह जाती जी, है जी, हम लोग तो कुछ नहीं आता है। क्या इस बार माहौल क्या है, प्लानिंग करके आई है क्या दोनों? नहीं नहीं। क्या माहौल क्या है, नहीं, माहौल क्या है? आपका आपका वोट किसको जाएगा, बदलाव की ओर जाएगा? हक को जाएगा। असरारुल हक कौन है व्यक्ति, जानते हैं इनको आप? हाँ जानते हैं। जान रही है। असरारुल साहब के लिए आपके फेवर में वोट है, आप किनको देंगे? असरारुल हक बागी। प्लानिंग कर लिए क्या ग्रुप में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा व्यक्ति है, कैसा है असरारुल, जो आप उनको कर रहे हैं वोट करेंगे, कैसा व्यक्ति है? अच्छा है। इससे पहले क्या किया उन्होंने समाज के? समाज के लिए उसका अब्बा था, वो तो उसका अब्बा, वो जो करना है तो कर लिया है। उसके अब्बा क्या थे, मतलब मंत्री थे जी। आपका वोट किनको जाएगा? असरारुल। मतलब पूरी टीम इसको प्लानिंग कर लिया है जी? नहीं। खैर, हम मजाक कर रहे थे, रियल फैक्ट है कि बदलाव के साथ इस बार लोग है। वार्ड नंबर 4 बहादुरगंज नगर पंचायत चुनाव को लेकर के जो तस्वीरें हैं, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि बिहार में जो है पंचायत राज से स्टार्ट हुआ था, पंचायती राज चुनाव में बदलाव हुई, यानी यूं कहा जाए कि 90% सीटों को बदला गया, 10% ही पुराने जीत पाए, जिसमें से कहीं कुछ सीटें हैं जो जीत गए पुराने कुछ लोग। और यहाँ कुछ और लोग हैं गांव के लोग, वार्ड नंबर 4 के, उनकी सोच कहाँ जा रही है और क्या इस बार प्लान है यहाँ के लोगों का, क्या लग रहा है? चाहे बहुत काफी उम्र दराज आदमी है, क्या आपका वार्ड में काम नहीं हुआ? काम होता है, कहाँ काम कोई काम, तो रोड तो अभी तक 20 साल से रोड पड़ा हुआ, 20 साल से रोड ही पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या है इस बार वोट किसको जाएगा, आपका वोट किनको जाएगा, कौन है वो चेहरा, कौन चेहरा है? राहुल, क्या कोई पन्ने घोट के पिला दिया आप लोगों को? पिला दिया है हम लोग को। आप उनको वोट करिएगा? हाँ। क्या उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है? नहीं है। किसको वोट करेंगे? वही होगा जो 2-3 कैंडिडेट उठा है, उन्हीं लोग को वोट होगा, लेकिन काम काम होना चाहिए। नहीं, उन्हीं लोगों को आपका वोट किनको, उन्हीं लोगों का नहीं, एक आदमी का, उन्हीं को होगा। किनको? असरारुल साहब को। क्यों, आपको भी घोट के कुछ पिला दिया है? बराबर भतीजावाद चल रहा है, मतलब विकास नहीं हो तो इस पर सवाल उठ रहा है। हाँ, इसी पर सवाल उठ रहा है। स्ट्रीट लाइट नहीं लगा आपके यहाँ? स्ट्रीट लाइट कहाँ लगा है आपका? क्या बड़ा शांति नहीं, आपका घर यहाँ नहीं है? अच्छा, कोई बात, कहाँ से आ रहा है? अच्छा, बाहर से आए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। सच तो यही है कि विकास के जो मुद्दे हैं वो कहाँ तक, गतिविधियों पर धीमी पड़ रही है। सवाल तो वही उठ रहा है, बिहार में करोड़ों का प्रोजेक्ट आने के बाद भी नगर पंचायत विकास से कोसों दूर है। चलन शौचालय के टैंक सड़कों पर सड़ रही है, प्रशासन ऐसे मामले में भ्रष्टाचार में संलिप्त है, मगर कहीं ना कहीं जो तस्वीरें बयां करती है, दिख रहा है कि बिहार में करप्शन किस तरह से फल फूल रहा है। मगर इस बार जो है नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 बहादुरगंज में लोग बदलाव के साथ है। लाइव 24 की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक अब तक का क्या रिपोर्ट आ रहा है, मैं आपको, बने रहिए हमारे साथ, मैं सारे चीज एक तरफ से डिक्लेयर करूंगा। रिपोर्ट सामने आई है, शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, वार्ड नंबर 4 में लोग आज भी शुद्ध जल से वंचित है। सवाल फिर उठ रहा है कि आखिर
प्रशासन की कितनी बड़ी घेर लापरवाही कैसे रही? आखिर प्रेजेंट पार्षद को क्या इस चीज से अवगत नहीं कराया गया, या फिर यूं कहें कि इस ऐसे मामले में भी प्रेजेंट जो पार्षद थे वो भी इसमें कमाने के संयुक्त में रह गए? यानी वार्ड में विकास के नाम पर जो धांधली हुई है, इस पर सबसे बड़ी सच रिपोर्ट सामने आई है। चलिए कुछ महिलाएं लोग, हम इनसे बात करेंगे। क्या शुद्ध जल मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है या नहीं? अच्छा मिल रहा है आपको? हाँ, नल लगी हुई। पानी मिल रहा है आपको? पानी बन गए। नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है इस बार जो माहौल है चुनाव के प्रति, किसको वोट करेंगे? किसको दीजिएगा आप? ये बोलिए, अपने मन से बोलिए ना, किसको दीजिएगा? हाँ, आप किसको दीजिएगा? देखिए लोगों का जो माहौल है, ये सीधा लोग अपने वोट पे कह रहे हैं, किसको वोट दीजिएगा? असरार की। क्यों, और कोई नहीं है क्या? है किसको? आज अभी लंड में पानी नहीं आता है, कॉलोनी हमको नहीं मिला है। घर तो आपका? घर उठाता है, घर बहुत मुसीबत से उठाता है। दो जोन मजदूरी करके लोन टाका लेके तब बनाया घर, तब बनाया। आवास नहीं मिल पाया आप लोगों को? आवास नहीं मिला है? नहीं। देखिए कितनी बड़ी धांधली हुई है कि आवास गरीबों को नहीं मिल पाया। क्या क्या लग रहा है इस बार किसको वोट करेंगे? असरार को करेंगे। क्यों देंगे असरार को? और कोई नेता नहीं है? है ना, अपना दिल, बस दिल है कि असरार को ही देना। हाँ, आप किनको वोट करेंगे? हम असरार को करेंगे। अभी हम लोग का यहाँ जो है, अभी नल में पानी नहीं आ रहा है, बिजली क्या लाइट उट लगा दिया है, लाइट भी नहीं लगाया है। उसके बाद टूटी में जो ये दिया है उसमें भी पानी नहीं है। उसके बाद बहुत सारे आदमी समस्या। चलिए कुछ और लोग हैं, हम फटाफट चलते हैं, कुछ सवाल लोगों से ले लेते हैं और जल्दी, टाइम ना लगाते हुए, बहुत लंबी होंगी। चलिए क्या लग रहा है किसको वोट करेंगे आप? इसराइल को। क्यों, आखिर क्यों? अच्छा है आदमी, कितना दिन से जान रहे हैं उनको? बहुत दिन से जानते हैं। किनको वोट करेंगे? हां, वो है इसराइल को। इसराइल को क्या है उसके, उसमें अच्छाई क्या है कि जो उनको वोट? बहुत बढ़िया छे, अच्छा आदमी। हाँ, बहुत अच्छा। आप किनको वोट करेंगे? उसी को करेंगे। देखिए एक ही इस एग्जिट पोल से साफ होता है कि वार्ड नंबर 4 में जो बदलाव का मुहिम है वो बरकरार है। अब लोग जो है सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस वार्ड नंबर 4 से जो वोट है, वोट बैंकिंग को देखते हुए ये सीधा एक्यूरेट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। यहाँ से लीड करने की जहाँ तक संभावना है वो असरार साहब जो है बहुमत बनाते हुए अपनी वोट की जो वोट बैंकिंग जो एक सिस्टम है वो जीत की ओर दिख रहा है और लोग इस बार बदलाव के साथ हैं। एक तरफ सवाल वही उठ रहा है ना कि जल नल योजना की ड्रीम। अब आपको हम मिलवाते हैं असरार साहब से, जो इसके बारे में लोग जो है एग्जिट पोल में साफ आ रहा है रिपोर्ट में कि असरार साहब इस बार जो है पार्षद पद पर बन जाएंगे, बने रहेंगे और जो मुद्दे हैं वार्ड के प्रति वो मुद्दे सारे साफ हो जाएंगे कि आखिर क्या है मुद्दे, और विकास पर जो तीव्र गति था वो बहुत धीमी हो गया था, चार फुटकर हुआ है, आवाज लूट हुई है, इन सारे मुद्दों पर हम अशर साहब से बात करेंगे। अशर साहब, आखिर एक एग्जिट पोल जो हम लोग निकाल रहे हैं, एक तरफा ही लोग बताया जा रहा है कि आपके पीछे हैं, क्या ऐसा घोल मिला दिया आपने जो पूरा रिपोर्ट जो है एग्जिट पोल जो आ रहा है वो सीधे आपके प्रति आ रहा है और लोगों से लगातार मिलना जुलना हो रहा है, क्या है? बिल्कुल, लोगों का, मेरे वार्ड के लोगों का भारी सपोर्ट है मेरे साथ, बोल के पिलाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमसे पहले जो रहे हैं इस पद पे, पार्षद के पद पे, वो तो एक लंबे अरसे तक रहे, लेकिन उस हिसाब से वार्ड के लिए, गांव समाज का विकास के लिए कोई काम कर नहीं पाए वो, तो एक लंबे अरसे के बाद आए हैं हम लोग। हमारा परिवार पहले भी आपको बता चुके हैं, राजनीतिक परिवार से हैं हम लोग, तो पद में नहीं थे लेकिन किसी ना किसी रूप से हम लोग निस्वार्थ होकर लोगों का सेवा किया, निस्वार्थ होकर लोगों के बीच हैं हम लोग। अब लोगों को पता नहीं था या फिर इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन पद में नहीं रहते हुए भी मैं, मेरा परिवार, मेरे पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, एक बार मंत्री साहब, पिताजी आपके मंत्री थे और विधायक से बने, जीतने के बाद वो मंत्री बनाया गया, बिहार सरकार के कल्याण मंत्री थे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे जो पंचायत नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ पे कार्यपालक द्वारा या फिर अन्य पदाधिकारी द्वारा जो करप्शन वाला सिस्टम है, इस पर क्या करेंगे आप? कुछ लोगों का मानना है कि करप्शन जो है मजबूरी में हो रहा है। नहीं, करप्शन देखिए, जब भोली भाली जनता, वार्ड के लोग, नगर के लोग
अब कोई ज़रूरी नहीं है सब लोग शिक्षित होते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी सब लोगों को होती नहीं है। तो अब गांव समाज का सीधा सपाटा आदमी है, उसको कहा जाता है कि भाई आपका कोई काम होने वाला है और जल्दबाजी में कुछ लाइए और इतने दिन में आपका काम हो जाएगा। तो अब इतने सब लोग समझदार या जागरूक हैं नहीं, तो वो इस तरह के झांसे में आकर बहुत लोग फंसे हुए हैं। और इन चीजों पर आप लगाम लगाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम जरूर। जहाँ तक शुद्ध जल गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध जल सरकार की बेहतरीन ड्रीम था, इससे आधा तर आदमी जो है जल के कारण बीमार पड़ता है।